हमारे बाबूजी डॉक्टर महावीर तिवारी वो वैद्य थे और उनका डेथ हुआ 98 इयर्स में, और वहाँ 20 किलोमीटर की दूरी में कोई भी डॉक्टर नहीं था, वैद्य ही थे। और उसमें लोगों को इतना विश्वास था, बीमारी इतनी अच्छी होती रही है कि उस समय जब 1 रुपया में 36 शेर का चावल था तो 100 रुपया रोज की आमदनी, और पेशेंट काफ़ी अच्छे होते गए। हमको खुद इस पर विश्वास है, ये नहीं पता था कि आयुर्वेदिक में इधर कौन से हैं। तो हमारे दोस्त राजा बाबू ने बताए कि ये आयुर्वेद की दवा मिलती है, राजू साहब बना रहे हैं। तो हम ईयर बिफोर लास्ट में 2 साल पहले 1913 में गए हुए थे बम्बे, क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो गई थी, और वहाँ जांच में पाया गया कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक है और इसीलिए आपका हैवीनेस होता है। हम खुद प्रोफेसर रहे हैं एसके मेडिकल कॉलेज में और थे रेडियोलॉजी में, सीएमसी हॉस्पिटल वेलोर में लेक्चरर रहे हैं। तो ये जब इन्वेस्टिगेशंस हुआ तो उस समय हमको लोग कहा कि एंजियोप्लास्टी कर दें, क्योंकि हम डायबिटिक हैं 38 ईयर से, इसको सोच करके हम एंजियोप्लास्टी नहीं कराए। और एंजियोप्लास्टी नहीं करा करके हम ये सोच के आए थे कि बाईपासिंग द बाईपास सर्जरी, एक सिस्टम है कि अगर हम पैर में प्रेशराइज करते हैं तो कोलैटरल सर्कुलेशन बन जाएगा। लेकिन इस बीच में जब ये जानकारी आयुर्वेद की हुई तो इनका एक दवा है जो Mark III रखे हुए हैं कार्डियोवास्कुलर, और उसमें हम अभी तीसरा बॉटल इनका यूज कर रहे हैं। हम यूज कम करते हैं, कम मतलब ये 15 ml मॉर्निंग इवनिंग सुसुम पानी। उससे हमको क्या बेनिफिट हुआ कि चेस्ट का हैवीनेस खत्म हो गया और दोनों पैर में जो भारीपन था जिसके लिए हम चेयर मंगाए हुए थे मसाज चेयर, अब चेयर की हमको जरूरत नहीं पड़ती। चलने में हम ट्रेडमिल नहीं कर पाते थे, वो ट्रेडमिल हम बहुत इत्मीनान से 15 मिनट तक करते हैं और काफ़ी बेहतर फीलिंग करते हैं। इस साल हम जनवरी में जा कर के फिर जांच कराए, उस जांच में जो हार्ट का जांच किया लोग, तो उसमें हम काफ़ी अच्छे हैं, 90%।